पर इसको राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि कितनी इस आरडीपी के अंदर आपको रैम मिलेगी और कौन सा आपको इसके अंदर कोर वगैरह मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 16 GB रैम मिलती है इस आरडीपी के अंदर आपको। एएमडी का 2.4 GHz का यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है और विंडोज सर्वर 2022 मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सिटी जो है वॉशिंगटन है, उसके अलावा जो रीजन है वो वर्जीनिया है, कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूएसए की आरडीपी मिली है। अगर आप लोग YouTube में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी फॉर लाइफ टाइम या फिर आप लोग YouTube में सर्च कर रहे हो हाउ टू गेट VPS आरडीपी फॉर फ्री, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर लाइफ टाइम के लिए। आप इसको क्रिएट कर सकते हो, इंस्टेंट क्रिएट करके इंस्टेंट आपके पास इसकी एक्सेस आएगी। उसके अलावा इसमें ना तो आपको किसी डेबिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी। अगर आप भी इस तरह की आरडीपी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों ने अंत तक लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो डिफरेंट आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा, जिसमें पहली तो इंस्टेंट क्रिएट है, बच्चा बच्चा बना सकता है, क्लिक्स के अंदर आप इजीली उसको बना लोगे। लेकिन जो दूसरी आरडीपी जो हमारी मेन आरडीपी होगी वो होगी गिटहब की आरडीपी। गिटहब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसके कुछ कोड जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। ये मैं आपको लेटेस्ट तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली आरडीपी बनाकर अपना कोई भी टास्क उसके अंदर इजीली परफॉर्म कर पाओगे। आप यूट्यूब चला सकते हो, आप कुछ भी एनीथिंग कर सकते हो उसके अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लास्ट तक आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप लोग आज का मेथड फुली फॉलो कर लेते हो तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आज की वीडियो से फ्री में आरडीपी बना लेते हो तो काइंडली इस वीडियो को भी जरूर आपने लाइक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। और आपने आरडीपी क्रिएट करने के बाद लाजमी मेरे भाइयों आपने आकर कमेंट करना है कि आरडीपी सक्सेसफुली बन चुकी है, ये लाजमी से आपने कमेंट करना है, ठीक है। बाकी आप टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब भाई लोगों हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने भी अपना कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने गूगल में जाना है और गूगल में आके आपने सर्च करना है ऑन वर्क्स, ठीक है। ये आपके सामने नजर आ रहा है ऑन वर्क्स, आपने सर्च करना है गूगल में और यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी फ्री क्लाउड होस्टिंग बाय ऑन वर्क्स, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद मैं आपको गिटहब की आरडीपी बनाना सिखाऊंगा। तो ये न्यू टैब में इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको काफी सारे सर्वर मिल जाएंगे, ठीक है। यूबंटू का मिल जाएगा, ये पता नहीं कौन से हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैक का भी है। आपने क्या करना है, आपको विंडोज आरडीपी चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें रन फ्री विंडोज 10 ऑनलाइन थीम, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपकी आरडीपी है वो देखें यहाँ पर वो आपका जो सर्वर है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर नीचे काउंटडाउन चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपकी आरडीपी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, इसमें भी आपको फास्ट इंटरनेट मिलता है। अब देखें यहाँ पर रेडी, क्लिक एंटर द कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अभी देखें ये फिर दोबारा से काउंटडाउन हो रहा है, यहाँ पर हमें फिर दोबारा से तकरीबन 10 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद हमारी आरडीपी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, देखें यहाँ पर अब हमारी आरडीपी में भी रेडी हो चुकी है। देखें यहाँ पर आपके सामने लोडिंग हो रही है और इसके बाद हमारी जो सर्वर है वो हमें दे दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है हमारी आरडीपी जो है वो कनेक्ट हो रही है और यहाँ पर वो कनेक्ट हो भी चुकी है। तो आपने पहला काम क्या करना है, अपने व्यू पर आना है। व्यू पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर फुल स्क्रीन पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। हमें और चीजें यहाँ पर नहीं देखनी। अब इंटरनेट चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलता है फायरफॉक्स ब्राउजर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अब आप यहाँ पर सबसे पहले गूगल में आ जाएं। गूगल में आने के बाद आपको मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस भी चेक करवा देता हूँ कि आपको डिफरेंट आईडी क्या कहते हैं आईपी एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पर पहले हम अपना आईपी एड्रेस चेक करेंगे और आप स्पीड चेक करें यार, काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है और फ्री के हिसाब से आप कोई भी अपना छोटा मोटा टास्क इजीली इस सर्वर के अंदर कर पाओगे, ठीक है। अब अगर आपने महसूस किया हो तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ये आरडीपी परफॉर्म कर रही है, मतलब कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। इसको यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग कि हमें जर्मनी की यहाँ पर आरडीपी मिली है, ठीक है। तो यानी कि यूरोप कंट्रीज की यहाँ पर आपको आरडीपी मिलती है। यहाँ पर देखिए ये जर्मनी की है, तो
इसी तरह आप भी इसके अंदर कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो। इंटरनेट भी चेक करवा देता हूँ आपको ताकि आपकी तसल्ली रहे कि इंटरनेट सही चलता है कि नहीं चलता इसमें। यहाँ पर गूगल में हमने स्पीड टेस्ट चेक कर लिया। यहाँ पे इसी वेबसाइट को न्यू टैब में हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ये देखें ज्यादा लैग भी नहीं कर रही। आपने ये चीजें लाजमी से ध्यान में रखनी है कि जो आपको फ्री में चीज मिल रही है वो ज्यादा लैग भी नहीं कर रही, ठीक है, वरना जो अक्सर होता है ऐसा कि कुछ फ्री आरडीपी थोड़ी ज्यादा लैग करती हैं। तो यहाँ पर देख लें भाई 100 MB का यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि इनफ है यार। आप कोई भी छोटा मोटा टास्क इसके अंदर इजीली कर सकते हो। ये तकरीबन 200 MB तक पहुंच गया जो कि बेहतर है, काफी ज्यादा बेहतर है। आप इजीली इसके अंदर कोई भी काम कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह ये डाउनलोडिंग है, इसी तरह की यहाँ पर देखें ये अपलोडिंग स्पीड आ गया। तकरीबन 200 MB की यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड थी और तकरीबन 200 MB की ही इसमें अपलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी। ये टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। जो दिन का टाइम होता है उस टाइम स्पीड ज्यादा होती है, शाम के वक्त यूजर ज्यादा हो जाते हैं इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम कर दी जाती है। यहाँ पर आपके सामने मैं यूट्यूब भी चलाकर दिखा देता हूँ। फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, जो आप चलाना चाहें वो यहाँ पर आप इजीली चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके सामने यूट्यूब भी ओपन हो चुका है। अब आपने इसमें जो कुछ भी सर्च करना है यहाँ पर सर्च करें और उसको चलाएं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी चला लेता हूँ यार, यहाँ पे अपना ही चैनल सर्च कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अपना चैनल मैंने सर्च कर लिया है। अब मैं चाहूँ यहाँ पर इसकी वीडियो भी चला सकता हूँ, अपनी कुछ भी चला सकता हूँ, इजीली यहाँ पर सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी चला सकते हो, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके भाई लोगों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड आरडीपी के बारे में, जिसके अंदर आपको प्रॉपर आपका आईपी एड्रेस मिलता है, आपको यूजर नेम मिलता है, पासवर्ड मिलता है, आप जहां मर्जी चाहें उसको लॉगिन कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप के अंदर उसको लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो वो होगी हमारी गिटहब की आरडीपी। तो गिटहब वगैरह का मैं अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा रहा आपको क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी। तो आप जाकर इजीली बना सकते हो, ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह देना अपने। बट आपको मैं एक बात ध्यान बता देता हूँ कि आप अपने जीमेल पर आईडी बनाइएगा इसकी, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आपको ये भी बताऊंगा किन किन लोगों की आरडीपी नहीं बनेगी गिटहब की और किन किन की बन जाएगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिटहब का अकाउंट बना लेना है अपने रियल जीमेल अकाउंट पर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एनजीरो का अकाउंट बनाना है, ठीक है। एनजीरो का आप किसी पर भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने अपने जीमेल पर ही बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको भी लॉगिन कर लूंगा। आपने इसके अंदर भी ईमेल देना, पासवर्ड देना और आपका अकाउंट इजीली बन जाएगा और इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। जब आपके दोनों अकाउंट बन जाए फिर आपने क्या करना है, आपने गिटहब की वेबसाइट में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना आपने यहाँ पर। आपने सिंपल ये देखें प्लस का आपको आइकन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। आपने एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रिपोजिटरी नेम देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, देखो जैसे मैंने पहले भी क्रिएट की हुई थी तो यहाँ पर ये मैंने नाम दे दिया और ये नाम अवेलेबल भी है उसने बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, सिंपल नीचे आएंगे और यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखें ये आपके सामने लिखा रहा है अनवॉच वन, ठीक है, ये वन लिखा हुआ है। अगर तो आपके यहाँ पर खाली वॉच लिखाएगा और यहाँ पर जीरो लिखाएगा तो समझ लेना जो आपका गिटहब का अकाउंट है वो सही ईमेल पर नहीं बना हुआ और आपकी आरडीपी नहीं बनेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने आगे कमेंट करने हैं, एक बार वीडियो देख लें सही तरीके से ताकि आपको सारे सोल्यूशन वीडियो में ही पता लग जाए। तो अगर आपके पास इस तरह का आ रहा है ना अनवॉच वन तो मतलब आपकी आरडीपी सक्सेसफुली बनेगी और यहाँ पर अगर खाली वॉच और जीरो लिखा रहा है तो आपकी आरडीपी नहीं बनेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट पर भी इसी तरह आ रहा है यहाँ पर वॉच जीरो तो आप क्या करें आउटलुक पर अकाउंट बनाकर देखें, आउटलुक के मेल पर, फिर आपके पास शायद ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मैंने बनाकर देखा दोनों पे, पहले मेरा आउटलुक पर नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया अपने एक और जीमेल से, अपने रियल जीमेल अकाउंट से यहाँ पर अकाउंट बनाया, फिर मेरे सामने ये वाला आना शो हो चुका है, ठीक है। अनवॉच वन ये आना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखें ये सिक्योरिटी नजर आ रही होगी, इसके अंदर थर्ड नंबर पर आपको शो हो रहा है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, आपने इस पर क्लिक करना है और इसके नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है एक्शंस, आपने एक्शंस पर क्लिक करना है। कुछ भी यहाँ पर नहीं छेड़ना, सीक्रेट में ही रहना है आपने और यहाँ पर आपने न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपने नेम देना है। नेम क्या देना है, आपने ये वाला नेम देना है एनजी रॉक, आगे ये कीबोर्ड का कुछ है मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बस आपने ये देख कर यहाँ पर इसी तरह लिखना है कैपिटल वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पर आपने ये लिख देना कोड पूरा, उसके बाद आपने यहाँ पर एक सीक्रेट कोड भी ऐड करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपकी एनजीरो की वेबसाइट में। जैसे आप एनजीरो की वेबसाइट में आ जाओगे यहाँ पर आपको नजर आएगा ओथ टोकन, यहाँ पर आपने आना है
और यहाँ से आपने योर ओथ टोकन को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने वापिस आना है और यहाँ पर सीक्रेट वाली जगह पर वो कोड एंटर करके आपने एड सीक्रेट पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो आपकी ओथ टोकन है, जो आपकी रिपोजिटरी है, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने अगला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्शन का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपने आना है। और यहाँ पर आपको आने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये सेटअप वर्कफ्लो योर सेल्फ, आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। बड़े इजीली वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ, मे भी आपको हर चीज प्रॉपरली समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर आपने एक और लंबा सा कोड ऐड करना है। ये कोड मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी दिया था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और मैं नोटपैड का लिंक दूंगा, या तो आपको नोटपैड का लिंक मिल जाएगा, इस नोटपैड का लिंक मिल जाएगा, या तो आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ जाकर आपको ये नोटपैड मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है या आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वेबसाइट में आना दोबारा और यहाँ पर वो कोड पूरे को पेस्ट कर देना है। कुछ नहीं छेड़ना यहाँ पर आपने, सिंपल आपने कमेंट चेंजेस पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर कमेंट चेंजेस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ पर देखें आपकी मेन YML की फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक्शंस में जाना है। एक्शंस पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहा होगा CI या पता नहीं CL है, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो आपका जो YML की फाइल है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, यानी कि जो आपकी RDP है वो क्रिएट हो रही है। तो आपने इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बिल्ड का ऑप्शन आ गया आपके सामने, आपने एक बार इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने जो आपकी RDP है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए आपने जाना अपनी एनजीरो की वेबसाइट में। यहाँ पर आने के बाद आपको योर ऑथ टोकन के नीचे नजर आ रहा होगा क्लाउड एज, उसके नीचे आपको नजर आ रहा है एंड पॉइंट्स, आपने इस पर आना है। और देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सर्वर जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपका जो यूजर नेम होगा ना वो ये वाला है। ठीक है, ये जीरो से आके आपने टोटल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लें और आपने यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप आपने सर्च करना है कनेक्शन, और यहाँ पर ये वाला जो आपका IP एड्रेस है इसको पेस्ट करके कनेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने देखें आपसे यहाँ पर वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब यूजर नेम और पासवर्ड हर किसी का सेम होगा, आपको कहाँ मिलेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपको मिल जाएगा नोटपैड में। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखें ये नजर आ रहा है नेम, और यहाँ पर देखें ये रनर एडमिन के नाम से आपका जो है वो यूजर नेम होगा, और ये नीचे पासवर्ड जो है ना ये लिखा हुआ है, ये टोटल पासवर्ड है। ये D से आगे एक और वर्ड है, वहां तक आपका ये पासवर्ड होगा। अगर आपको यहाँ पर नोटपैड में नहीं समझ आ रही तो आपने एनजीरो की वेबसाइट में आना है और यहाँ पर आपको देखें ये रनर एडमिन, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर देखें ये रनर एडमिन आ गया आपका यूजर नेम, और यहाँ पर ही आपको पासवर्ड मिलेगा जो कि ये वाला है टोटल। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट करना है D से आगे, यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पर जाते हैं रिमोट डेस्कटॉप में, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको रिमेम्बर मी और ओके पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारी जो RDP है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन हो चुकी है, तकरीबन लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो हमारी RDP है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कोई भी अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यार ये मुझे नहीं पता ये कितने टाइम के लिए चलती है, क्योंकि सुबह मैंने चलाई थी तो मुझे 14 घंटे के लिए मिली थी। उसके अलावा डिफरेंट टाइम पर ये डिफरेंट आपको टाइम प्रोवाइड करेगी खुद ब खुद। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता क्योंकि ये कभी आधे घंटे तक भी चल जाती है, कभी ये 15 घंटे के लिए भी चल जाती है, कभी ये 14 घंटे के लिए भी आपके लिए चल जाती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर या आपको ये कितना टाइम प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल इज दैट अपना कोई भी यहाँ पर काम इजीली परफॉर्म कर लेना है। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले रैम वगैरह भी दिखा देता हूँ इस RDP की, कि इसमें आपको कितनी रैम मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं अपने दिस PC में। दिस PC में आने के बाद यहाँ पर आपको तकरीबन 500 GB की हार्ड ड्राइव मिलती है, जो कि इनफ है। इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर भी कर सकते हो इस RDP में। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि कितनी इस RDP के अंदर आपको रैम मिलेगी और कौन सा आपको इसके अंदर कोर वगैरह मिलेगा। तो ये सेटिंग जरा ऑन हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 16 GB रैम मिलती है इस RDP के अंदर आपको। AMD का 2.4 GHz का यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है और विंडोज सर्वर 2022 मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजीद वीडियो लेकर आऊं जिसमें आप लोगों को फायदा मिल सके। अब यहाँ पर आपको IP एड्रेस वगैरह चेक करवाता हूँ, इंटरनेट स्पीड वगैरह करवा के वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे। कमेंट आपने लाजमी करना है कि ये RDP आपके पास सक्सेसफुली क्रिएट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये आपने लाजमी से करना है। और यार शेयर कर दिया करो वीडियो को, प्लीज कर दिया करो। इससे क्या होता है कि वीडियो को ज्यादा रीच मिलती है और वीडियो वायरल होने के चांसेस
ज्यादा होते हैं। तो प्लीज फायदा लेने के बाद वीडियो को लाइक करना भी आप पर फर्ज है, जो मैंने आपको कमेंट किया वो भी करना आप पर फर्ज है, और इसको शेयर वगैरह करना भी आप पर फर्ज है, तो ये लाजमी से कर दिया करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं माई आईपी एड्रेस। यहाँ पर मैंने माई आईपी एड्रेस सर्च कर लिया, और आपने एक चीज और नोटिस करनी है कि जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आरडीपी साथ ही मुझे रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि काफी अच्छी स्पीड चल रही है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सिटी जो है वॉशिंगटन है, उसके अलावा जो रीजन है वो वर्जीनिया है, कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूएसए की आरडीपी मिली है, तो आप इसके अंदर कुछ भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी आपको टेस्ट करवा देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर हमने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया, और यहाँ पर इसको हम यू टाइम में ओपन कर लेते हैं, जल्दी से इसको हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्पीड टेस्ट पे लगा दिया, देख लेते हैं कितनी, भाई साहब तकरीबन 2 GB प्लस यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आ रही है, जो कि 2.5 GB तक पहुंच चुकी है। दिन में यहाँ पर आपको तकरीबन 5 GB का इंटरनेट मिलता है, और शाम के टाइम ये 3 GB 2 GB तक आ जाता है। तो यार ये भी बहुत ज्यादा है, आप इजीली इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको बताया ये 30 मिनट के लिए भी चल सकती है आरडीपी। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मैंने सुबह जब बनाई थी मुझे तकरीबन 15 घंटे के लिए मिली थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लक पर डिपेंड करेगा कि ये आपको कितनी देर के लिए ये आरडीपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप देखें यहाँ पर ये आपके सामने टनल जो है वो चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, कोई भी इसके अंदर इश्यू नहीं आ रहा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो यही थी आज की वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।